आइए दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे हमारे। नहीं, गीत गा देना तुम। आइए आपका इंतजार था। नहीं, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम दिखाते हैं आपको नए नए रिएक्शन वीडियो। चलो तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो कम ही लगती है। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब बटन के साथ घंटे का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो अभी हम किसका करने वाले हैं रिएक्शन आज? आज रिएक्शन करते हैं हम टीज़र का, संजय दत्त की मूवी का, जिसका नाम है प्रस्थानम। प्रस्थानम तो टीज़र है, ये छोटा सा ही है। अभी तुम स्वागत स्वागत कर रहे थे, आप प्रस्थानम करने लग गए यार। क्या भाई, अब क्या करें, मूवी का नाम ही प्रस्थानम है तो फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे और आज कर रहे हैं हम संजय दत्त की मूवी प्रस्थानम के टीज़र का रिएक्शन वीडियो। तो शुरू करते हैं। ओके, संजय दत्त, संजय सुनील दत्त, आई थिंक लखनऊ। महाभारत एक और राजनीतिक मूवी है। ये भाई तब फिर ये चढ़ास्ता लुक बैक आ गया भाई। ये लड़का तो देखा हुआ है ना, कौन मनीषा कराला की कौन है वो? बार फॉर लीजिए से पीटा भाई सही। टेक सॉलर, ये तो अली है ना, क्या नाम, अली नाम है ना इसका लड़का जो है, अली अली कुछ नाम है। ये लखनऊ का शूट आउट लग रहा सारा, मतलब जो भी इतनी शूटिंग। ये मिर्ज़ापुर में नहीं था जो लड़का, हाँ, वो हाँ, लड़का है ना मिर्ज़ापुर का ही। और इसमें फुकरे में था जो हाँ, अली जफर, जफर अली कुछ ऐसा नाम है। पीटा भाई से यार, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, भाई ये अपने कंधों पे कैसे उठाएंगे। और वो भी 60 साल, संजय दत्त की उम्र 60 साल हो गई है और उसके बाद भी एक चीज तो है, 60 साल की उम्र में भी इतना एग्रेसिव होके काम करना। हाँ मतलब ठीक है, अच्छा ट्रेलर है, आजकल चल रहे हैं ऐसा, क्योंकि ट्रेंड चला हुआ है। जैसे मिर्जापुर था, अभी तो टीजर है, अच्छा चला था, और शायद टीजर है ना ये तो। हाँ, टीजर है, अभी तो ट्रेलर आया नहीं है, मतलब स्टोरी तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन पॉलिटिकल मूवी है और वही पावर वाली लड़ाई है कि एक आदमी के पास पावर है और फिर पावर की लड़ाई चल रही है, बस सब कुछ मेन ना इसमें। जीतोगे तो महाभारत, हारोगे तो रामायण, कुछ ऐसा डायलॉग तो अच्छा है। नहीं, उसने ये बोला कि अब तुम्हारे हाथ में है, या तो रामायण या तो फिर महाभारत। रामायण और महाभारत में अभी ट्रेलर आएगा तभी पूरा थोड़ा पता लग पाएगा डिटेल में। महाभारत तो जस्ट यार, महाभारत को तो हर किसी को पता ना, युद्ध की बात होनी है। रामायण में भी वही है, रामायण में युद्ध है, लेकिन रामायण में थोड़ा छोटा युद्ध था ना। रामायण में सत्ता के लिए युद्ध नहीं है, मेन चीज महाभारत में सत्ता के लिए युद्ध है, यानी पावर के लिए। हां वो चीज है। तो टीजर तो अच्छा है, बाकी ट्रेलर पे पता चलेगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। बाकी अच्छा है, जिस हिसाब से आजकल सीरीज चल रही है, मिर्जापुर हो गया और सेक्रेट गेम्स भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि वो आज के दौर का, मतलब यूपी का नहीं है, वो मुंबई का सेटअप है, ये यूपी का सेटअप है, लेकिन उसका भी एक और चल रहा है मेरा ख्याल, उसमें भाई बहन के कुछ पॉलिटिक्स का एक सीरीज आ रही है, शायद अमेज़न प्राइम पे आ रही है। हाँ, अमेज़न प्राइम पे ही है, तो वो भी सीरीज अच्छी चल रही है, शायद उसी से थोड़ा इंस्पायर होके डायरेक्टर्स ने बनाया होगा। अब बाकी तो ट्रेलर आने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअल में मूवी में है क्या। देखो हम टीजर से बस ये चीज पता लगेगा कि सिर्फ पॉलिटिकल मूवी है और पावर के लिए सारी लड़ाई है इसमें, लेकिन जब ट्रेलर आएगा तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में मूवी कहाँ जा रही है और क्या एक्चुअलिटी है मूवी की, तो वो चीज है। और संजय दत्त ने दोबारा से प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है, उन्होंने पहला जो इससे पहले जो प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था वो था संजय गुप्ता के साथ, वाइट फैदर मूवीज के साथ, कांटे जिसकी पहली मूवी थी वाइट फैदर की, और उसके बाद और भी मूवीज बनी थी उसके, जिंदा वगैरह,
ये सारी मूवीज बनाई थी, तो उसके बाद उनके दोनों के बीच खटास हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए संजय दत्त और संजय गुप्ता अलग अलग हो गए। अब दोबारा से संजय दत्त ने अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया है संजय एस दत्त के नाम से, तो एस मे बी स्टैंड्स फॉर सुनील दत्त। तो देखते हैं उनके प्रोडक्शन हाउस की ये वाली फिल्म पहली फिल्म कैसी जाती है। तो ये था हमारा रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भाई लाइक भी करना होता है वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें दोस्तों के साथ। और जल्दी आपको इसके ट्रेलर का, जैसे ट्रेलर आता है आपको उसका भी रिएक्शन वीडियो देंगे हम बना के। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं अगर कोई वीडियो आपकी नज़र में हो, कोई पुराना वीडियो, कोई नया वीडियो, कोई पंजाबी, मराठी या कन्नड़, किसी भी भाषा में, इंग्लिश, जो भी आपकी नज़र में हो उसका कमेंट करके हमें बताएं कि किसी का अगर रिएक्शन कर दें, कोई सजेशन हो तो भी बताएं, गालियां ना दें। थैंक यू, ओके, थैंक यू, बाय।